बेटे मैं अपने पोलिमराइजेशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? सर क्लास के बाद या इन बिटवीन? आप बिटवीन में भी पूछ सकते हैं, मेरे पास सारे मैंने पोलिमराइजेशन के लिख लिए हैं इसमें। ये स्पेसिफिक सर क्लास। जी बोले, आज सुबह वाला जो छूट गया था वो करवाएंगे ना? अच्छा वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, वहीं से स्टार्ट करूंगा। ये रहा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहें तो मेरी वाली बुक खोल लें, आप उसमें से पूछ लें। अलीजे कौन सा क्वेश्चन था? सर, नीचे था, इसके नीचे ये रहा, 47। 47। सर ऑर्गेनिक में से मतलब कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आ रहे होते हैं सवाल, मेनली जिसके बेटा पैसे उसमें ज्यादा अच्छे करें? मिक्स आते हैं, फंक्शनल ग्रुप के सारे आते हैं, आपने उठा के देख लें। पॉलीमराइजेशन के देखें हर साल आते हैं। इसका आसान तरीका यह है कि मेरे टॉपिकल पास पेपर खोले ऑर्गेनिक के, उसमें देखें सबसे मोटा पाइल किसकी है, वो सबसे ज्यादा आते हैं। एस्टर ज्यादा आता है, पॉलीमराइजेशन ज्यादा आता है। अच्छा देखिए, अब ये सवाल आ गया आपके पास, ठीक है अलीजे, आप मुझे ये बताएं, इसमें सबसे पहले आप ये बताएं कि रिपीटिंग यूनिट का क्या काम क्या हो रहा है। देखिए मैं यहां से रिपीटिंग यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं, क्या यही रिपीटिंग यूनिट है? हो जी सर, सही। सकता है कि ये ना हो, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए देखें सेम आ गया। जी पहला स्टेप है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई रिपीट यूनिट, आइडेंटिफाई रिपीट यूनिट, ठीक है। अब आपने इस यूनिट को यहां लिख लिया, ठीक है, बोलिए ऐसे ही है, बिल्कुल जी ऐसे ही आ रहा है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है इसमें से एक आइसोमर जो मोनोमर है वो प्रोपीन है, प्रोपीन है, तो बताइए इस पूरे में या तो शुरू में प्रोपीन होगा या आखिर में प्रोपीन होगा, या तो ये प्रोपीन होगा या ये प्रोपीन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी तो अगर ये प्रोपीन होगा तो डबल बॉन्ड यहां क्या कर रहा है? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। पहला आपका रूल ये, आपने एक रिपीट यूनिट अलग कर लिया, ठीक है। अच्छा दूसरा मेरा तरीकाकार क्या था, मैंने आपसे कहा था कि इधर डबल बॉन्ड होता है और इधर डबल बॉन्ड होता है, ये भी याद है ना आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक डबल बॉन्ड है तो इधर भी डबल बॉन्ड होगा। बात समझ आ रही है? हाँ सर, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब ये हुआ यही वो ज्वाइनिंग चीज है। ये है, ये वाला है प्रोपीन, बीच में ये भी तो आ रहे डबल बॉन्ड एक। मैं दोबारा बात कहूंगा, मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा कि आपने रिपीट यूनिट निकाला, रिपीट यूनिट निकाल दिए, बोले यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर, अच्छा मैंने कहा था यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ डबल बॉन्ड होता है लास्ट में, अगर ये डबल बॉन्ड है इसके साथ तो दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ होगा ना, जी सही है? अच्छा ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपीन में तो डबल बॉन्ड है ही है, जो दूसरा मोनोमर है ना उसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, एक पहले से एक और आएगा। बेटा दो मोनोमर जुड़ नहीं सकते जब तक दोनों का डबल बॉन्ड गायब ना हो,
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? प्रोटीन शुरू वाले, पहले मेरी बात गौर से सुने, मैंने ये नहीं कहा प्रोटीन शुरू वाले, मैंने पहले ये कहा आपने रिपीट यूनिट डिसाइड किया उसके बाद डबल बॉन्ड लगाया। डबल बॉन्ड स्टार्ट में और एंड में लगता है, जब अगर ये डबल बॉन्ड है तो दूसरा डबल बॉन्ड यही होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ जो रिपीट यूनिट में उसमें पहले से डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो टोटल दोनों मोनोमर में मिला के 3 डबल बॉन्ड होंगे, एक प्रोपीन का होगा और एक दूसरे वाले मोनोमर में 2 डबल बॉन्ड होंगे। अगर ये जुमला बिल्कुल सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी गलत हो गया। मैंने यहां तक के बात समझाई है आपको? बोलिए, आपको मेरी बात समझ आ रही है? बी गलत हो जी सर, सही हो गया। अब आ जाइए प्रोपीन देखें कहाँ है। अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर आप गौर से देखें, दो रिपीट यूनिट बनाने के बाद आप देखें डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये हिस्सा प्रोपीन का होगा, ये हिस्सा दूसरे वाले मॉलिक्यूल का होगा। आइए मैं इस मॉलिक्यूल को डॉटेड लाइन से खत्म करता हूं। ये देखें, मुझको ऐसा नजर आ रहा है कि ये रेड ग्रीन वाला हिस्सा प्रोपीन है, ये ग्रीन वाला हिस्सा प्रोपीन है। जो रेड वाला हिस्सा आएगा ये दूसरा रिपीट यूनिट होगा, ये दूसरा रिपीट यूनिट होगा, ये दूसरा रिपीट यूनिट होगा। बोले, आपको मेरी बात समझ आ रही है? बेटा बोलेंगे नहीं तो मैं कैसे, मुझे मालूम चलेगा? आ रही है सर, आ रही है, बात समझ आ रही है ना? ये देखें, अब आप देखें ये हिस्सा आ गया प्रोपीन का, यहां से लिंक बन रहा है डबल बॉन्ड का, इसका मतलब है डबल बॉन्ड इधर होगा। अब दूसरा वाला हिस्सा देखें, मैं काट के निकाल रहा हूं उधर से, ठीक है? ये देखें, बल्कि निकालने की भी जरूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोले, ये स्ट्रेट चेन है क्या, ये ब्रांच है? स्ट्रेट चेन है, तो इसका मतलब है 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन सिर्फ और सिर्फ डी में, तो डी इज द आंसर। बोलो मेरे बच्चों, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? स्ट्रेट चेन कैसे, मतलब 5-6 ब्रांच में नहीं आ रही? देखें, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट सही नहीं करेंगे ना तो ये पॉलीमराइजेशन कभी भी सही नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए आज पूरी क्लास ही पॉलीमराइजेशन की रख ली है। फिर मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा कि ये रिपीट यूनिट है, ये रिपीट यूनिट है, इसमें प्रोपीन कहाँ है? जाहिर सी बात है, या तो इस कॉर्नर पे होगी या इस कॉर्नर पे होगी भाई, इस तरफ होगी या उस तरफ होगी, और तो कहीं नहीं हो सकती प्रोपीन। जी, मुझे समझ आ गया। तो मैंने कहा एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर होता है, तो अगर ये डबल बॉन्ड इधर है तो दूसरा यहाँ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि आपका ये रिपीट यूनिट है, तो ये प्रोपीन यही वाला होगा, और तो प्रोपीन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, ये वाला नजर आ रहा है प्रोपीन, लेकिन ये तो प्रोपीन, अगर ये होगा तो प्रोपीन की क्या 2 डबल बॉन्ड होंगे? ये तो कहीं से भी प्रोपीन प्रोपीन नहीं हो सकता, प्रोपीन ये होगा। जब भी पॉलीमराइज हो जाता है तो सिंगल बॉन्ड के साथ होता है, डबल बॉन्ड के साथ कभी नहीं होता। क्यों नहीं समझ आ रही? ये सिंगल बॉन्ड के साथ हुआ हुआ है सर, वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ना 3-4 पे, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब देखें इधर गौर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, क्या ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है? क्या ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है? ये 6 कार्बन की, बी इज द आंसर।
सही है सर, समझ आ गया। याद रखिएगा ये कोपोलीमर है। कोपोलीमर क्या होता है, जिसमें दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर ज्वाइन हुए हुए हूँ। जी बोले सर, प्रोपीन एजेस पर क्यों होगा, लाइक एंड्स पर? आप मुझे बताएं, जब दो मोनोमर जुड़ते हैं तो एक मोनोमर, अगर दो दो मोनोमर हो तो दोनों कॉर्नर पे होंगे ना, एक इस कॉर्नर पे होगा एक इस कॉर्नर पे होगा, यही तो रूल होता है। ठीक है सर, सही। कोई ऐसा थोड़ी करेगा कि अगर दो हैं तो तीन से एक चेन बना देगा, दो हैं तो चार के से ही एक चेन बनेगी ना। यस सर, ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आपको इसको बना के दिखा दूं कैसे बना होगा। सिर्फ आपको, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, पेपर टू हो चुका है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, देखें कैसे बनेगा। ये देखें, ये रहा आपका प्रोपीन, मैं नीचे बना रहा हूं और से देखिएगा, ये रहा आपका प्रोपीन। याद रखिएगा बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं पॉलीमराइजेशन के, एक मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल। यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, आपको समझाने के लिए इस टेक्निक को अपना रहा हूं। क्या प्रोपीन से आपको ये फ्री रेडिकल समझ में आया? बेटा या तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा या फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ से ज्वाइन हो नहीं रहा, यहाँ से ज्वाइन हो रहा है, लिहाजा फ्री रेडिकल मैंने यहाँ बनाया। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अल्लाह के हुक्म से यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। देखें, अब मैं आपको हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये रहा एक दो तीन चार पांच और ये रहा छह। एक डबल बॉन्ड यहां था, देखें यही है ना डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड यहाँ है। बोलो बेटा ऐसे ही है ना? मैंने यहां फ्री रेडिकल बनाया और ये डबल बॉन्ड को मिटा दिया। आइए, ये दोबारा मैंने दोनों मोनोमर दोबारा इधर बनाए। अब होगा क्या, देखें गौर से, ये फ्री रेडिकल ये जो दो फ्री रेडिकल हैं, अब अगर ये प्रोपीन का ये वाला डबल फ्री रेडिकल मैं इधर बना दूं तो ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये आगे के साथ पॉलीमराइज हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर, यस सर। इसी तरह से अगर मैं इस डबल बॉन्ड को दो डबल बॉन्ड थे ना, एक काम हटा दिया मैंने, ये रहा फाइव सिक्स, नंबरिंग डाल देता हूँ, ये रहा वन, ये रहा टू, ये रहा थ्री, ये रहा फोर, ये रहा फाइव, ये रहा सिक्स। अब मैंने करना क्या है, इस बॉन्ड को इससे जोड़ना है और इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देना है। कोर्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से मेरा बच्चा ये वाला हिस्सा दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और ये हिस्सा आगे के साथ पॉलीमराइज हो जाएगा। अलीजा चेक करिए, ये ऊपर वाला और जो ये मैंने बनाया दोनों सेम है। जी सर, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं था, मैंने फिर भी आपको बना के बता दिया। ठीक है, बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी सर। ये मैकेनिज्म कोर्स का हिस्सा नहीं है, पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग भी होती है। चलिए, अब मैं पॉलीमराइजेशन कराने जा रहा हूँ आपको, साइक्लिक की, जितने भी साइक्लिक हैं उनकी पॉलीमराइजेशन कराऊंगा। एक
पॉलीमर आ गया आपके पास ये बेटा। क्वेश्चन है 2022 मई जून निकाल ले अपने पास बेशक। 2022 मई जून इस क्वेश्चन के साइक्लिक के बाद आप जो सवाल बोलेंगे मैं वो कराऊंगा आपको, लेकिन पॉलीमराइजेशन के होने चाहिए। जब क्लास खत्म हो तो आपको यकीन होना चाहिए कि पॉलीमराइजेशन के हर क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए मेरे बच्चे, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक हम साइक्लिक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके पास है साइक्लोहेक्सीन। सर ये वो वाला क्वेश्चन है, 1-4 लिंकेज वाला। 1-4 लिंकेज वाला, ठीक है। ये देखिए आ गया साइक्लोहेक्सीन, ये रहा डबल बॉन्ड, ये एक और आ गया डबल बॉन्ड आपके पास, ठीक है। देखें आपको मैं इसमें एक डीआई इस्तेमाल करता हूँ, एच एच बनाया करें एच। मैंने कहा था आपसे कि अगर लेट सपोज ये है आपके पास एक मोनोमर, आप एच बनाते हैं, एच एच बनाने के बाद इसको लिंक करते हैं, इसको लिंक करते हैं, इसको यू बनाते हैं, इसको आगे से लिंक करते हैं और ये डबल बॉन्ड मिटा देते हैं। इस पे नंबरिंग करें 1-2, 1-2। बताइए जो मैंने लिंकेज बनाया वन के साथ वन बनाया है या टू के साथ वन बनाया है? टू के साथ वन बनाया है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये वन है इस पे नंबरिंग देते हैं, ठीक है। ये वन है, ये टू है, ठीक है। अब ये वन है, ये टू है, बताइए टू की बॉन्डिंग किसके साथ बनेगी? वन के साथ बनेगी, ठीक है। टू की बॉन्डिंग वन के साथ बनेगी, तो टू की बॉन्डिंग वन के साथ बनेगी, ये ऐसे ऐसे ही है ना बेटे? जी सर, बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करना बेटा। ये आ गया आपके पास वन, वन की बॉन्डिंग किसी आगे बनेगी और टू की बॉन्डिंग वन से बन जाएगी, 1-2, 1-2, ऐसे ही है ना बेटे? जी सर। अच्छा जी, अच्छा फिर ये टू की बॉन्डिंग किसके साथ बनेगी? अगले वन के साथ, वन के साथ बनेगी। अच्छा जी, अब आप लेट सपोज अब आप यहां देखें, यहां क्या हो रहा है, इस 1-2-3-4 सही है, 1-2-3-4 बेटा, ये कौन सी लिंकेज बन रही है वन के साथ? 4:1 यानी 4:1, वन की फोर के साथ बन रही है ना? जी सर। आइए दूसरे को देख लेते हैं, 1-2-3 सही है बेटे, या जहां से रिंग लग जुड़ी हुई है वहां से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। काउंटिंग करेंगे कहां से शुरू? जहां से ज्वाइनिंग है, ठीक है। ये वन है, 1-2-3, और अगर इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1-2-3। बोले बात समझ आ रही है? सब में एक तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, सब में एक ही तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन वो वन है, 1-2-3-4 सही है बेटे, वन से स्टार्ट होगी, 1-2-3-4 तो ये तो 1-4 कहलाएगी ना बेटा? जी सर।
सही है। अब इस पे आ जाओ, ये वन, ये टू, ये थ्री। अब वन टू थ्री, ये वन थ्री लिंकेज है ना जी। अब इस पे आ जाओ, ये वन, ये टू, ये वन, ये टू, ये कौन सा लिंकेज है बेटा? टू वन, वन टू, वन टू। अच्छा ये तो पॉलीमराइज ही नहीं हो रहा ना, वन वन कार्बन, वन कार्बन शॉर्ट। आप बोले बेटा, आपने कहा था कि डॉटेड लाइन से काउंटिंग शुरू करनी है। देखिए मैं आपको उससे हजार दवा साल पूछेंगे ना, मैं हजार मेथड से करा दूंगा, ठीक है? मुझे याद नहीं मैंने आपको पहले कौन से तरीके से कराया। पहले मैंने आपको बोला कि डॉटेड लाइन से काउंट शुरू करेंगे, तो मैंने डॉटेड लाइन से शुरू किए, वन टू थ्री फोर, फिर वन टू थ्री फोर, डॉटेड से तो स्टार्ट किए बेटे। कैसे समझ गया? ये वाला हिस्सा वन है, डॉटेड से स्टार्ट किए, अब वो वहीं पे खत्म हो रही है। डॉटेड से स्टार्ट किए शॉर्ट पे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, डॉटेड से स्टार्ट किए, वन टू, वन टू। आप इसको तुम कर ही नहीं सकते, वन कार्बन शॉर्ट है। अगर आप वन फोर ऐसे देखना चाहें तब भी सही है, वन से शुरू, फोर पे खत्म, वन पे शुरू, थ्री पे खत्म, वन पे शुरू, टू पे खत्म, कुछ भी कह लें आप। चेक करना बेटा, आंसर चेक करना, इसका सी आंसर है। जी सर। आप एक और साइक्लिका देखते हैं, पहले साइक्लिका करेंगे फिर आप जो बोलेंगे वो करवाऊंगा। एक ये भी साइक्लिक आ रहा है। देखिए, नेचुरल अकरिंग मॉलिक्यूल शोन बिलो कैन बी मेड बाय द एडिशन ऑफ फोर आइडेंटिकल मोनोमर। बताइए ये होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है? होमो पॉलीमर। कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं? चार। चार जुड़े हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन तो सेम होंगे। जी सर। जरा टोटल कार्बन गिनना कितने, ऐसे ही ऐसे ही बोले, जरा कितने कार्बन गिने जरा। सर 18 कार्बन है टोटल, 18 कार्बन है। फोर से डिवाइड करें, टोटल 18 कार्बन नहीं हो सकते, दोबारा गिन लेंगे। 20 कार्बन है, तो एक में 5 होंगे। अब देखें कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 5 से कम या 5 से ज्यादा हो? सर पहले वाले के अंदर 6 हैं, नहीं नहीं 5 है बात। दोबारा बोलना क्या कह रहे हो? सब में 5 है। सब में 5 है, सब में 5 है मेरा बेटा, सब में 5 है। तो अब आप फंस गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो टेक्निक आपकी काम नहीं करेगी कि आप ये कहें कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है? तो जी अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिपीट यूनिट ढूंढते हैं, ठीक है? हम इसकी रिपीट यूनिट ढूंढेंगे बेटे, हम इसकी रिपीट यूनिट ढूंढेंगे। हम यहां से स्टार्ट करें, अगर ये CH3 वाले कार्बन से, तो एक, दो, तीन, चार, पांच। बोले क्या ये रिपीट यूनिट बन रहा है? बोले बेटा, बोलो ऐसे पांच बन रहा है? CH3 CH2, एक दो तीन चार पांच, एक दो, एक दो तीन चार, इसमें तो ये लास्ट वाला तो बच रहा है, ऐसे ही देखेंगे और से। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है?
सर ये ग्रुपिंग मुझे समझ तो आ गई कि पांच पांच कार्बन की, लेकिन आप मोनोमर मतलब आपने ये नहीं कहा था कि साइड में डबल बॉन्ड भी होता है, कुछ कंफ्यूजन हुई बेटा थी। वो तो, बेटा वो तो यूं निकल के निशान बने होते हैं ना, इसमें तो कोई निशान भी नहीं बना। ये तो फर्स्ट टाइम साइक्लिक आ गया ना, जी फर्स्ट टाइम सर फर्स्ट। जी बेटा बोले। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ये हर के हर जो 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 सारे हमने मोनोमर्स किए हैं, जो लाल वाला है ब्लू वाला, वो सब CH2 पे जब एंड हो रहे हैं, तो ये वाला तो CH पे एंड हो रहा है, तो फिर ये कैसे हुआ? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, देखिए जो मैंने ऐसे पांच तो बना लिए टुकड़े, ठीक है, लेकिन देखिए लास्ट वाला मेरा बच गया ऐसे ना, आप चेक करें। और वो ओवरलैप भी कर रहा हुआ है उसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, दोबारा देखते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, लेट सपोज ये CH2 तो सब में आ रहा है कि डबल बॉन्ड CH2, जी सर, नहीं ये डबल बॉन्ड CH2 कहाँ आ रहा है सब में? क्या भाई साहब इसकी वजह नहीं, क्या क्या ये डबल बॉन्ड CH2 नहीं कहीं पे सर भी आ रहा है? डबल बॉन्ड, ये वाला कहीं पे भी, ये वाला CH2 कहीं पे भी नहीं आ रहा, देखो गौर से। तो जी सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एक रिपीट यूनिट ये लेते हो, बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करना, CH2 लेते हो और इस CH3 को लेते हो, इस CH3 को लेते हो, CH2 को लेते हो, CH3 को लेते हो और इस CH को लेते हो और इस CH2 को लेते हो, एक रिपीट यूनिट, सही है? अगर तुम इसको लेते हो, गौर से देखते सर? रहना। नहीं, सर क्योंकि ऊपर वाले में दो CH2 हैं, इसमें सिर्फ एक है। ऊपर ऊपर वाले वाले में कितने बॉन्ड CH2 है हैं? ना, उसके दो CH2 है, लेकिन डबल बॉन्ड CH2 नहीं है ऊपर वाले के अंदर। बेटा ये डबल बॉन्ड CH2 कहीं पे भी नहीं है, रिंग तो क्लोजर होना ही है ना, देखो ये डबल बॉन्ड तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है सर, मेरी बात समझ आ रही है? ये CH2 तो कहीं पर भी नहीं है, तो लिहाजा ये तो रिंग क्लोजर के वक्त तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं इसी को लेता हूँ दोबारा रिपीट यूनिट, ये रहा और ये रहा CH3 और ये जाके इससे मिला, ये दूसरा रिपीट यूनिट जा रहा है, जी सर फिर इस CH से सब डबल बॉन्ड लिया, यार मैं इससे तंग आ गया, ये आया इससे आया इससे आया, देखो चेक करो ये भी सेम है, अब आओ इससे आ जाओ, ये आया CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर ये आया, फिर ये CH3 बाहर निकला हुआ, ये आप चेक करिए ये सारे रिपीट यूनिट एक ही जैसे हैं, जी सर, आपके सामने मैंने वो वाला भी रिपीट यूनिट बना के दिखाया, आपके सामने मैंने ये वाला भी रिपीट यूनिट बना के दिखाया, ये ये सर आइडेंटिफिकेशन जी बेटा बोले। लंबी और वो नहीं है मुश्किल? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ना, रिपीट यूनिट तो निकालना ही निकालना है। सर ये जो ब्लू वाला है उसके अंदर CH और CH2 है, बाकी सबके अंदर CH2 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 हाँ CH2 हाँ बेटा, रिंग रिंग क्लोजर के लिए हुआ है, रिंग क्लोजर रिएक्शन के लिए हुआ है, वरना रिंग अच्छा, क्लोज कैसे? तो पिछले एक वाले में जगह, ओवरलैप हो रहा था इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया था। हाँ बेटा इसके बगैर तो रिंग क्लोज ही नहीं होगा ना, आप गले में जी जो हम लोग चेन डालते हैं उसके सारे मोनोमर एक जैसे होते हैं गले की चेन में, लेकिन कॉर्नर में जहाँ रिंग ज्वाइन हो रहा होता है वो अलग होता है, आप चेक कर लें, जी सर सर ठीक है। अब मैं देखें इस मोनोमर को यहाँ उतार रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH CH2, ऐसा ही है, बोलो बेटा ऐसा ही है? जी सर, इसका रिंग जुड़ा है ना,
बोलिए इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है ना मेरे बच्चों, बोलो ना इसकी वैलेंसी पूरी है कि नहीं है, नहीं इस पे सर, डॉट लगाया है नहीं है सर, क्या क्या इसकी भी वैलेंसी नहीं पूरी नहीं है? नहीं, तो ये दोनों फ्री रेडिकल हैं जो पॉलीमराइज हुए, बीच में डबल बॉन्ड बना दो, ये आपका मोनोमर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई है? पता नहीं क्या होगा, अभी मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये वाला ब्लू वाला मैंने बनाया है, अब आ जाओ, अब आ जाओ, मैं इस ग्रीन वाले से बना के दिखा रहा हूँ। ये रहा सी एच टू, ये रहा सी एच टू, ये रहा सी, ये रहा डबल बॉन्ड सी एच, ये आया सी एच थ्री। बेटा ऐसे ही है जी सर। अब देखो मेरी बात गौर से, क्या इसकी वैलेंसी पूरी है इस कार्बन की? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, क्या बीच वाले की वैलेंसी पूरी है? सर ठीक है, डबल बॉन्ड वाले की नहीं है सर। सही है। अच्छा आप इसकी बताओ, इसकी वैलेंसी के बारे में क्या राय है? पूरी है, पूरी है, इसकी भी पूरी है। डबल बॉन्ड सीएच वाले की नहीं है बस। इसकी क्या है? दो हाइड्रोजन कम है ना इसमें, एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब है ये भी डॉट है, और तो सबकी पूरी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब क्या होगा? आ रही है सर। अब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है चलो मैं एक वाला भी बना के दिखा रहा हूँ, ये रेड वाला, इसको भी देखो, ये आ गया सी एच टू, ये आ गया सी एच टू, ये आ गया सी सी एच थ्री, ये आ गया डबल बॉन्ड सी एच। अब बताओ क्या नीचे वाले की वैलेंसी पूरी है? नहीं सर। नहीं मैं बोलूं, क्या इसकी वैलेंसी पूरी है? नहीं सर। जब तो ये पॉलीमराइज हो रहे हैं किनारे किनारों से। जी सर, बात समझ आ रही है। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, इसके जो है ना, अगर आपने पॉलीमराइज इसके मेन स्ट्रक्चर बनाने हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको वहां सिखाया था ना। कैसे करना पड़ेगी, आप ये गौर से देखें, देखिए ये सी एच थ्री लगा हुआ है, ये रहा आपके पास सी एच थ्री। ठीक है, इस सी एच थ्री के बाद ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, इसको एक हाइड्रोजन देके सी एच टू कर लीजिए। बात समझ आ गई है? किसको सी एच टू करते हैं? देखो देखो, ये रहा सी एच थ्री, ये रहा सी एच थ्री, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड सी एच टू, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड सी एच टू, इसके आगे सी एच है, इसके बाद सी एच टू है। बात समझ आ रही है? तो ये वाला एच इसके पास चले गया, इसको मिटाओ और डबल बॉन्ड कर। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं सर, वापस समझाते हैं। देखो तुम्हारे ना ये मैकेनिज्म तो कोर्स का हिस्सा ही नहीं है ना, मैकेनिज्म तो कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, बस मैं बहुत ज्यादा डिटेल में करा रहा हूँ क्योंकि मैंने टॉपिक ही ये कराना है ना। अच्छा अब देखो इधर गौर से, अब आंसर कौन सा होगा सही? क्या देखो, इसके अंदर एक सी एच थ्री ब्रांच है, तुम सब जगह देखो एक सी एच थ्री ब्रांच है, हर एक में एक सी एच थ्री ब्रांच है, ऐसे ही है। ये रहा बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं तुम्हें आंसर कराना कर रहा हूँ ना बेटा, तुम लोग बोलोगे तो मैं ज्यादा अच्छा करा सकूंगा ना। इसमें ब्रांच है, नो सी एच थ्री, नो सी एच थ्री। जी सर, क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। आप फड्डा सिर्फ इसमें आ रहे हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में, बोलो तमाम स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। जी सर। जी, तो इसका मतलब है मोनोमर में एक डबल बॉन्ड होगा, दो डबल बॉन्ड होंगे। बेसिक समझाने के चक्कर में लगा हुआ हूँ, सवाल तो दो मिनट में हल हो गया।
सवाल तो 2 मिनट में हुआ है, नजर आ रही है चारों में से किसमें सी एच थ्री है? आखिरी के दो में, आखिरी के दो में, ठीक है बताओ इसके हर स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है? जी सर है। पॉलीमराइज होते वक्त एक डबल बॉन्ड और होगा, मैंने कहा था ना पॉलीमराइजेशन में एक डबल बॉन्ड कम होता है। जी सही है सर, समझ इसका मतलब है वही हो सकता है दोनों में इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो ये तो डायरेक्ट ऐसे कर, ये तो मैंने लंबी कर दी आपको समझाने के लिए। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर बात समझ आ रही है। बात समझ में, अब मैं आपको शॉर्ट तरीका ही कराऊंगा। बताइए अब आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर हैं, आनी आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? सर अभी तो किया ही है। ये वही सवाल है जी सर। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा फिर? सी सी आंसर हो जाएगा। 1-2 लिंकेज है, जो साइक्लिक होगा वो करेंगे। ये देखें एच मेथड, इसके बाद आप जो कुछ जी अब आप बोले जो क्वेश्चन बोलेंगे मैं कराऊंगा। बोलो बेटा हानिया क्लास में नहीं है आप? बोले बेटा क्वेश्चन कौन से कराना है? सर एक सेकंड रुकें। सर ये क्वेश्चन नंबर 28 है वो समझा देंगे? कौन सा बेटे? क्वेश्चन 28 इसी फाइल का। क्वेश्चन 28 दोबारा बोलना। 28 जी सर 28 जी सर। देखो ये वाला है। अच्छा ठीक है। सिंथेटिक रेसिन कैन बी मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ मोनोमर इंक्लूडिंग प्रोपीन वनोल। रिपीट यूनिट इन पॉलीप्रोपीन वनोल। आइए पॉलीप्रोपीन वनोल करते हैं। देखें ये रहा, मैंने आपको कहा था एच मेथड लेंगे। एच मेथड, एच मेथड क्या होता है? आप एच बनाने की कोशिश करेंगे। ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे दो हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, एक सी एच टू ओ एच, ठीक है जी सर। अच्छा जी अब अगला क्वेश्चन ऐसे ही होगा मोनोमर एच मेथड से, ठीक है ये आ गया। अब क्या होगा, आप इसको आगे जोड़ देंगे, इसको आगे जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड बना के ये बॉन्ड बना, ये दो रिपीट यूनिट है। बी होगा सर आंसर। ठीक है सर, दो रिपीट यूनिट है। शाजिल कौन क्या कह रहे हो, कौन सा आंसर होगा? बी होगा, आंसर होगा। वेरी गुड सर। अजीम आपको समझ आया? जी बेटे बोले। जी सर समझ आ गया सर। पॉलीमर से कोई हट के कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले? नहीं बेटा मैं पॉलीमर खत्म कराने के बाद भी दूसरा करा दूंगा। 9 बजे क्लास है, अगर बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे पॉलीमर का फिर मैं आपके। अच्छा सर ये बता दें कि P1 की रिकॉर्डिंग कहाँ पड़ी है? P1 के सारे पास पेपर की रिकॉर्डिंग YouTube पे डलवाई है तुम ही लोगों ने। सर आपने विंटर 23 पेपर 13 सॉल्व किया? यार किया होगा वरना मुझे बोलोगे मैं कल करा दूंगा। बोले अगला क्वेश्चन बोले सर। देख लेंगे अगर नहीं किया तो करवा दीजिए। मैं कल करवा दूंगा, मुझे मैसेज कर देना ठीक है।
कल दो क्लासेस होंगी मॉर्निंग में और एक रात में, इसी तरह से क्वेश्चन बोले बेटा क्वेश्चन 26 या आगे 26 विच डायग्राम शो मिथाइल मिथाइल प्रोपेनोएट मिथाइल मिथाइल प्रोपेनोएट मिथाइल मिथाइल प्रोपेनोएट ठीक है। अच्छा जी मोनोमर यूज्ड टू मेक परपेक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर प्रोपीनोइड है, प्रोपीनोइड। तो आइए इसका नाम देखते हैं मिथाइल, या आ गया एस्टर, इसका नाम है मिथाइल, या आ गया एस्टर, इसका नाम है मिथाइल, या आ गया एस्टर, इसका नाम है इथाइल। ये आ गया मिथाइल, बोले ये मिथाइल समझ में आ गया जी सर। चलिए अब हमें ढूंढना है मिथाइल प्रोपीन। अब आप गौर से देखें मिथाइल प्रोपीन, क्या इसमें तीन कार्बन है प्रोपीन वाले, तो दो मिथाइल और कार्बन है, ये भी गलत। मिथाइल मिथाइल प्रोपेनोएट बेटा, मैंने बेटा मैंने ग्रीन वाला मिथाइल तो करा दिया ना आपको, सब जगह मिथाइल भी लिखा दिया, अब दूसरा वाले मिथाइल पे हम गए हुए हैं इस पर। तो एक ये ब्रांच है और ये पेरेंट चेन है सर, यही लग रहा है आंसर। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। देखो मिथाइल प्रोपीनोएट, इसमें भी मिथाइल नहीं है, तो ए ही आंसर लग रहा है। ये मिथाइल है। बेटा मुझे बताना 26 का आंसर क्या है, प्रोपीनोएट सर यही है। ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोले सर, क्वेश्चन 14 का आ रहा है 14। चलिए पॉलीमराइजेशन ऑफ 1-1 डाइक्लोरोएथीन प्रोड्यूसेस अ डेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस डज नॉट अलाउ, ठीक है जी, नॉट अलाउ पासेस गैसेस टू पास थ्रू इट, ठीक है जी। विच सीक्वेंस अपीयर इन द शॉर्ट लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन, मैंने आपसे कहा था कि आपने एच मेथड करना है, एच मेथड 1-1 डाइक्लोरोएथीन 1-1 डाइक्लोरोएथीन 1-1 डाइक्लोरोएथीन। आप बता सकते हैं कि सब क्वेश्चन के अंदर इसको यूज जोड़ा, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको तमाम ऑप्शंस में बेटा, छह बोले, एक में कितने कार्बन दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब है ये तीन यूनिट है इसके अंदर, ठीक है, इसका मतलब है दो और रखें आप। इसमें दो सी है, समझ आ गई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। इसका मतलब है ये आएगा CCl2 CH2 CCl2 CH2 CCl2 CH2, सही ही होगा ना। आप देखना पड़ेगा, मैंने इन्होंने उल्टा लिखा है, मैंने यूं लिखा है, तो CH2 Cl2 CCl2 PCH2 CCl2 PCH2 CCl2, बिल्कुल सही है, ए ही है, और इसके अलावा कहीं ये तरतीब बनी नहीं रही है।
का मतलब है कि एक कार्बन पे दो क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं। जी बेटा, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन लगे, वन वन डाइक्लोर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे। ये क्वेश्चन 15 जो नीचे वाला, वो समझा दे, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन नंबर 15, one of the characteristic of addition polymerization is that the empirical formula of the polymer atom and the monomer are the same. याद रखिएगा ये एडिशन पॉलीमर की ये क्वालिटी है कि इंपैक्टल फॉर्मूला मोनोमर का और पॉलीमर का सेम होता है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल ठीक है जी। फ्रॉम विच मोनोमर कुड दिस एडिशन पॉलीमर बी ऑब्टेन। देखिए भाई, अब आपने करना क्या है, रिपीट यूनिट निकालना है। आपको पता है एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, लेकिन आप रिपीट यूनिट निकालें। मुझे ऐसा लग रहा है ये बोले यही रिपीट यूनिट है जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये इधर है, एक इधर है ना, ऐसे ही है बिल्कुल। तो इसका इसका मतलब ये हुआ इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा सी डबल ओ एच, ऐसे ही है डबल बॉन्ड बना देंगे। कौन सा आंसर सही लग रहा है सर? सी होगा ना, फिर सी होगा CH2CHCOOH। बेटा चेक करना आंसर, यही है। अल्लाह तेरा शुक्र। और पूछो, देखो तुम्हारे पास बुक पड़ी है मेरी यार, देखो बोलो पूछो कौन सा करना है। चल क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 तो मुझे सारे क्वेश्चन भी करा लो, परवाह नहीं है सर, 50 करवा दो। ठीक है 50 कराता हूं। अजीम आप 3 कह रहे हैं, ऐसा ऐसा पॉलीथीन होगा, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। विच इज विच कंपाउंड इज कंबस्टिबल, ब्रास कंबस्टिबल है? नहीं सर। पेपर कंबस्टिबल है? जी सर। पॉलीथीन भी है, ये भी नहीं है। अब पॉलीथीन और पॉलीथीन में बताइए, इंसुलेटर पेपर इंसुलेटर भी है, पॉलीथीन भी है। इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ थर्मल टेंपरेचर, पेपर पेपर होता है, पॉलीथीन होता है। चेक करें इसका आंसर क्या है, पॉलीथीन ही है। क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन सर आपकी मार्किंग स्कीम में तो ये लिखा हुआ है ब्रास, वो गलत होगा। अभी हम चेक कर लेते हैं मार्किंग स्कीम खोल के पास पेपर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना बेटा, चेक करना जी सर। 3 का ए लिखा हुआ है, 3 का ए जी मार्किंग स्कीम में आपकी 3 का ए लिखा हुआ है। अबे मेरे मार्किंग स्कीम को छोड़ो, वो तो मैंने गलत लिखे हुए थे सर, सही मार्किंग स्कीम पेस्ट कर भेज दिया सर, मैंने सही मार्किंग स्कीम शेयर कर दी सर। मैंने बहुत सी नहीं होता है हमेशा, क्या कह रहे हो बेटा दोबारा बोलना। यही उसका सी आंसर लिखा होता है, रिपीटेड है ना, ये सी आंसर सही आंसर है ना ये जी। ठीक है बेटा, सर आपने सुबह की क्लास में क्या करवाया था? मैंने क्यूरीज डिस्कस कराई थी बेटा सबकी। असीम बात समझ आ गई है जी सर। सोमरो आपने काम करना है बेटा जी सर, आपने मुझको तमाम पास पेपर की करेक्ट मार्किंग स्कीम करके देनी है एमसीक्यू की, यकीन माने। आप बोले क्या चीज सर, टाइम ही नहीं बचा। नहीं तुमने अभी जो कुछ भी किए होंगे वो करेक्शन हुई होगी ना, फिर आपने क्या करना है छुट्टियों में मुझे करेक्ट आने वाली कई नस्लें आपको ना दुआ देंगी वरना मुझे बैठना पड़ेगा। देखिए मैं अगर चाहूं तो यहाँ बैठ के करवा दूँ, आराम से करके दे दूँ, आराम से मतलब अगले बैच के लिए। मैं वैसे खुद भी कर दूंगा इंशाल्लाह छुट्टियों में, मेरी अक्टूबर नवंबर की क्लासेस होंगी ना ऑनलाइन में, उसमें कर दूंगा शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, द मोनोमर ब्यूटा 1,3-डाइन कैन अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन इन वेरियस वेज। क्या है ब्यूटा 1,3-डाइन? अच्छा, टू ऑफ द पॉलीमर दैट कैन बी मेड आर आल्सो सिस पॉली ब्यूटा 1,3-डाइन।
एंड ट्रांस पॉली ब्यूटा वन जेड आइन इन दिस नेम इज सिस सिस बताना है हमने सिस ठीक है चलिए जी पहले आप ब्यूटाडाइन बनाए वन टू थ्री फोर वन बेटा ये वन थ्री ब्यूटाडाइन बन गया आपका बोले ऐसे ही बनेगा ना जी सर ऐसे ही बनेगा ठीक है आप बताएं इसमें स्टीरियो सेंटर कौन सा होगा डबल बॉन्ड वाला तो बताइए क्या ये सिस ट्रांस बना रहा होगा सोच समझ के आंसर दिएगा क्या ये इस अल्कीन में तो ये दोनों तो सिस बना ही नहीं सकते बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है ये दोनों तो सेम है ना ये दो डिफरेंट है लेकिन ये दोनों तो सेम है आपको मेरी बात समझ आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि वाकई ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर जब भी पॉलीमराइज होगा ये इधर शिफ्ट होगा ये इधर शिफ्ट होगा सर सी है आंसर अब मेरी बात समझ रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं ये देखें अब अगर ये दो बॉन्ड वाले हो सकते हैं सही सर शिफ्ट वाला मुझे समझ में नहीं आई बात शुरू में मेरी बात सुने क्या इसके अंदर दो डबल बॉन्ड हैं जी बताइए जब ये पॉलीमर होगा तो एक डबल बॉन्ड कम हो जाएगा जी या दो ही रहेंगे कम होगा ना टूटेगा एक कम हो जाएगा तो इसका मतलब है ए आंसर गलत हो गया डी आंसर गलत हो गया बोले आयशा आपको ये बात समझ आ गई जी जी आप बताइए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड शादिल दिल जीत गया तुमने इसका आंसर देखे बताइए ये सिस हैं दोनों एक साथ में या डायगनल पे सिस है अब ये एक ऊपर है ये एक नीचे है ये ट्रांस है तो बोलिए सी आंसर होगा कि बी आंसर होगा सी बेटा मैं आपकी लंबी मुझे बहुत अल्लाह के हुक्म से शॉर्ट तरीके अल्लाह ने सिखाए लेकिन मैं आपकी ना बेस बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोले बेटे इसका अगला उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फाइव फिर 51 क्वेश्चन नंबर फाइव और 51 उठा के देख लो एक दो क्वेश्चन पॉलीमराइजेशन के आते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड इज नेचुरल पॉलीमर प्रोड्यूस्ड बाय अ रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट कैन आल्सो बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम शुगर पीएचबी इज रेडली बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ए टू में पढ़ेंगे आप पॉलीमर उसमें आप पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल याद रखिएगा ये मेरी आज की बात What type of reaction will cause BHP to break down? बताइए addition से break down होता है? नहीं। अच्छा hydrolysis से break down होता है? सर ester होगा क्या जो कर दिया हो? देखें which type of reaction will cause BHP to break? Right? पहले आप एक काम करें polyhydroxybutyric acid लिख लें उसके बाद उसको पॉलीमर कर दिएगा ये देखें एक दो तीन चार ये रहा ओ एच और ये रहा पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड पोली हाइड्रोक्सी ये ऊपर बनाया हुआ इसने पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड तो इसका मतलब ये हुआ एक दो तीन इसके ऊपर सी एच थ्री है इसके ऊपर ओ एच है अच्छा जी अब दूसरा आएगा देखिए इसी तरह का एक और कंपाउंड आएगा
अब आप बताइए इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या जाता है, ओ एच जाता है एच जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ एच जाता है और अल्कोहल का एच जाता है, इन दोनों को जोड़ लें क्या कहा, दोबारा बोलिएगा, अल्कोहल का क्या जाता है एच और कार्बोक्सिलिक का ओ एच। तो देखे ना ये दो यूनिट बना दिए मैंने, उसने एक यूनिट बनाया, तो बताइए इसको हाइड्रोलाइज करना होगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोलिसिस ही होगा ना जी सर, सीओ एस्टर वाला। उसने कहीं एस्टर नहीं लिखा, उसने कहीं पर भी है एस्टर नहीं लिखा है, ठीक है जी सर। तो बायोडिग्रेडेबल जब भी लग जाते ना वैसे तो हाइड्रोलिसिस ही होता है, बेटा चेक करना बी आंसर है इसका जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, बेटा कंपाउंड वी पॉलीमराइजेस टू फॉर्म पॉलीमर डब्ल्यू इज सेक्शन पॉलीमर डब्ल्यू, ये कल परसों तो कराया था, चलिए मैं दोबारा कराता हूँ, बताइए इसमें रिपीट यूनिट क्या, ये रिपीट यूनिट है जी सर। जी सर जी बिल्कुल सही है। अच्छा जी डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, अब आप इसको बना लीजिए, इसका मतलब है यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अब आप ये एक मोनोमर बना लीजिए, ठीक है मेरे बच्चों, इसका मतलब है एक फ्री रेडिकल यहां बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहां बनेगा, ऐसे ये एक डबल बॉन्ड यहाँ है एक डबल बॉन्ड यहाँ है, इसका मतलब है ये दोनों जुड़ेंगे, सीख गए मोनोमर बनाना जी सर। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 बोलो क्या होगा, 1 1 2 ट्राई क्लोरो बोलो, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 ट्राई क्लोरो ट्राई क्लोरो 1 1 2 समझ, ये कार्बन किससे कराया अपने नंबर, मतलब इसको 3 भी तो नहीं ले सकते क्या, मतलब कार्बन को गिन रहे ना, देखो बेटा ये कार्बन वन है ना, कार्बन वन कार्बन टू कार्बन थ्री है ना बेटे जी सर, तो तीन कार्बन है, तो बताओ तीन कार्बन पे प्रोपीन होगा या ब्यूटीन होगा या इथीन होगा, प्रोपीन प्रोपीन, देखो सी आंसर होगा इसका फिर जी सर, ऐसे ही बेटे। चलिए अगला क्वेश्चन बोले, बेटा आपके पास बुक है, आप बोले जितने क्वेश्चन बोलेंगे मैं करा दूंगा। अच्छा सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे आपने तो मुझे फॉरवर्ड की थी ना मार्किंग स्कीम जो कि करेक्टिव किसी ने की हुई थी उसमें मैक्सिमम करेक्टिव है, तो मैंने आपको दोबारा फॉरवर्ड कर दिया था वो ग्रुप पे। अच्छा वो सही है जी, वो सही है बिल्कुल, उसमें सही किया। अच्छा ठीक है सर, 44 और 45 ठीक है मेरा बेटा, 44 और 45 आइए 44 45 ये देखे इसमें रिपीट यूनिट कहाँ है, ठीक है इसका सॉरी ये इसका रिपीट यूनिट आ रहा है यू, हो सकता है मैं गलत बनाऊ, चेक करिएगा सॉरी, बेटा चेक करो यही रिपीट यूनिट है, बेटा चेक करिए यही रिपीट यूनिट है, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ, डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ, डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ, डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ,
बेटा ऐसा ही है सर, आपने रिपीटेड यूनिट मतलब उसको डायरेक्ट नहीं लेंगे जो चेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपने बीच का भी लिया दूसरी चेन का। बेटा पहली बात गौर से सुनना, अच्छा क्या आपको मेरे रिपीट यूनिट समझ आया? मैंने कौन सा रिपीट यूनिट, जो जो भी नहीं है सारे रिपीट यूनिट हैं कि नहीं है ये बताएं पहले। है तो ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा आखिर में और शुरू में डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसा ही है जी। जब यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, ऐसा ही होगा ना जी सर। अच्छा क्यों नहीं समझ आ रही बात, समझ आ रही है? वो समझ आ गई डबल बॉन्ड वाली बात पे सब कुछ, मुझे कंफ्यूजन रिपीटेड यूनिट आपने जैसे बनाया ना उसमें हो रही थी। बेटा यही तो रिपीट यूनिट है, आप कोई और बता दें रिपीट एक जैसा रिपीट यूनिट हो रहा है ये तो। अब अगर रेड कलर आपको रेड नजर आ रहा है, अब मेरे पास तो आंसर नहीं है रेड क्यों है। अगर ये रिपीट यूनिट आपको रिपीट यूनिट ये सारे एक जैसे हैं तो मैं इसका आंसर क्या दूं, कहूंगा कि किसी की धूम एक जैसी है, किसी के हाथ एक जैसे हैं, आपको दिख नहीं रहा ये रिपीट यूनिट सेम है। देखें बेटे जी सर, आपने ये जजमेंट करनी है कि ये रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, अगर ये नहीं हो रहे मैं फिर दूसरा ढूंढूंगा। हो रहे ये रिपीट यूनिट हो रहे जी, वो तो है। तो देखिए मैं बीच वाला उतारता हूँ, जब भी रिपीट यूनिट निकालता हूँ मैं बीच वाला उतारता हूँ, ये बीच वाला उतारा मैंने, ठीक है। ऐसे ही है बेटा, इधर डबल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड, ऐसे ही है। फिर मैं इन फ्री रेडिकल को छोड़ देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, होशियारी बनने होशियारी करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे इसके नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 और इसका नाम रखेंगे। क्या ये 4-3 पे इथाइल है? पेंट फाइवीन होगा ना सर, 3 इथाइल है, ये बताएं पहले 3 इथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, पेंटुइन, पेंटुइन। अब सबके नाम रखें 1 2 3 4 5, बताएं ये 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 3 इथाइल है? नहीं सर, नहीं। अगर मैं 3 4 5 कर दूं ऐसे, अब आप देखें, अब आप देखें क्या ये 3 इथाइल है? जी सर। क्या ये 4 मिथाइल है? जी सर। क्या ये पेंटुइन है? जी सर। तो यही तो आंसर है, आइए दूसरे पे आइए। अच्छा सर, इसमें डबल बॉन्ड ऐसा आपने कैसे बनाया था, मुझे वो समझा दें, जो फ्री रेडिकल आपने कैसे चूज किए थे? देखो ये इस डबल बॉन्ड की बात कर रहे हो जी, ये वाला। देखो मेरी बात, मैं तुम्हें हर दफा हर पॉलीमर में कह रहा हूँ, देखो ये एक से दो सवाल आते हैं, मैंने कहा ये 3 रिपीट यूनिट बनाए, बीच वाले को सेलेक्ट किया। देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इस कार्बन पे है ना जी, स्टार्ट यहाँ हो रहा है एंड यहाँ पे हो रहा है, दोनों जगह फ्री रेडिकल बनाए। अच्छा सही है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल। अलीजे मुझे 40 में से 40 सही क्वेश्चन चाहिए, आप मेरी बात को समझें। बेटे आ जाएंगे, बेटे बहुत मेहनत की आपने, सबने की है, आ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है जी सर? आइए बी का नाम दीजिए, बी का नाम दीजिए। मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो है वो आप 1 2 3, ये तो 6 कार्बन ही हो ही नहीं सकता, 1 2 3 4 5 6 ये हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5, 2 पे इथाइल नहीं लगा, गलत। ए आंसर है, चेक करें। बेटा एक 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 नंबर के लिए बंदा तरसता है, 40 में से एक नंबर आपका आगे आया आपका ए आ गया, एक नंबर पीछे आया आपका बी हो गया, मेरी बात को समझे। आयशा आप कौन सा कराओ बेटा 44 के बाद? यही 45 ही। 45। अब ये कह रहा था डायग्राम जो अ शॉर्ट लेंथ ऑफ एन एडिशन पॉलीमर चेन, द पॉलीमर हैज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 10,000 approximately how many monomer units are together joined in each polymer molecule, बताइए ये polyethylene है ना,
बोले बेटा ये अल्कीन है ना, जी सर। अल्कीन से बना। इसका एमआर बताएंगे कितना, एमआर सी टू एच फोर का कितना होगा? 28। तो अब आपसे पूछ रहे हाउ मेनी मोनोमर, तो अगर एमआर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है 10, तो 28 से डिवाइड करें, अंदाजन कितना आंसर आएगा? 357। तो भाई 360 बी आंसर है, चेक करें। जी सर। बेटा ये जो चार नंबर का फर्क आ रहा है ना तीन नंबर का, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पॉलीमराइज होंगे ना, पॉलीमराइज इसलिए, तो कुछ हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन यही था। और क्वेश्चन बोले, सर कल आप कौन सी क्लास रखेंगे? कल 12 बजे जो मेरी क्लास होगी इंशाल्लाह, कल 12 बजे क्लास होगी या नहीं होगी मुझे देखने दें। मेरी असल में मेरी फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत क्लासेस होती हैं। सर अगर रखे हैं फिजिकल की रखिएगा, क्वेश्चंस काफी हैं। बस ठीक है, कल फिजिकल की क्लास रखेंगे, ठीक है? कल फिजिकल की क्लास रखेंगे, ठीक है? फिजिकल के कोशिश करें कि न्यूमेरिकल के पूछें आप, ऑर्गेनिक तो मैंने बेइंतहा कर रही है। सर लेक्चर यूट्यूब पे आपके ऑर्गेनिक के P1 के? बेटा आप देखें उसी पे मैंने ईयरली पास पेपर करा रखे हैं वहाँ पे, ठीक है? जितने भी मैंने P1 के ईयरली कराए बच्चों ने कहा था ड्राइव पे ना रखें, तो वो मैंने डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल दिए। और जो टॉपिकल है ऑर्गेनिक के वो टॉपिकल मेरे ड्राइव पे है, ठीक है सर? ठीक है, लेकिन बेहतर ये आप इस वक्त ईयरली करें, और जो आपको समझ नहीं आ रहा मुझसे बोले, मैं आपको करवा दूंगा। इधर तो मैंने इंट्रो के भेजे था आपको व्हाट्सएप पे 4-6 शायद। आप पूछती ना मुझे, अब मेरी बात सुने। अभी पॉलीमर का देख ले मैक्सिमम, मैं कल आपको सुबह भी टाइम दूंगा रात में भी टाइम दूंगा इंशाल्लाह। बताइए सर 25 करा दें। 25 अभी तो कराया है। और बोले अगला क्वेश्चन। सर मैं गया हुआ था, वापसी बता देंगे। यार ये इसकी तो रिकॉर्डिंग देख लेना, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, 9 बजे मेरी क्लास है। अच्छा, तुम और कोई क्वेश्चन पूछो। 21 देख लें, वो कराए क्या आपने? 21 अगर तुम्हें फिर भी समझ ना आए ना तो कल मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं रिकॉर्डिंग अभी के अभी शेयर करूंगा। मैं अभी भी तुम्हें ये सवाल दोबारा समझा देता हूं, 20 देख लो उसके बाद समझा देना, ठीक है? सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा बेटे, मैं अभी अभी आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा सिंथेटिक रेसिन प्लास्टिसाइजर एंड मेनी अदर केमिकल में पॉलीमर ऑफ एंड मोनोमर ऑफ इंक्लूडिंग प्रोपीन 1,2-diol, ठीक है? ये देखें एच मेथड इस्तेमाल करेंगे, एच मेथड अभी तो कराए थे इस बार, सही है बेटे? अब आप क्या करेंगे, यूं करेंगे और बीच में से डबल बॉन्ड मिटा देंगे। बोले कौन सा आंसर सही है मोहित? मोहित कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सर 21 करा दे। 21 अबे ये सब मैंने अभी कराए लड़के, ये 1-2 है, ये 1-2 है। और पूछो और पूछो, मैं अभी तुम्हें फॉरन रिकॉर्डिंग आज भेज दूंगा इंशाल्लाह। सर 17 17 ठीक है, ये आ गया। आपने क्या करना है, एच मेथड यूज करना है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा। बोलिए इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है तीनों में से, एक तरफ एच 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 एफ बी वाला, एक ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? लेकिन इसने क्या बोला, स्केलेटन। हाँ जी बताइए, स्केलेटन में हाइड्रोजन होते हैं? नहीं होते हैं। तो बी आंसर हिसाब से सही हो गया। बोलो बेटा और बोलो।
अरे क्वेश्चन 18 है, इसके नीचे वाला है, को समझा दें। इसके नीचे वाला व्हिच स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द पॉलीमर पीवीसी। कंबशन ऑफ पीवीसी वेस्ट प्रोड्यूसेस अ हाईली टॉक्सिक गैस, मे बी पॉसिबल एचसीएल बन जाए। पीवीसी मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड, बिल्कुल सैचुरेट होता है। उसने कहा डज नॉट, इंपैकल ऑफ पीवीसी इज द सेम एज इंपैकल फार्मूला ऑफ इट मोनोमर, ये भी अभी हमने डिस्कस किया है ना। रिपीट यूनिट पीवीसी का ये होता है, ये मेरे ख्याल में ये भी सही है, डी वाला गलत है। और सर एक क्वेश्चन इसका, ये देखो इसका ये होता है, लोगों मेरी बात समझ आ रही है, ये होता है इसका, ये गलत है। अगला बोले सवाल सर, 16 आ गया, 16। In addition to 2 methyl propene, there are X other isomer of similar structure as well which can contain a double bond. What is the value of X? Synthetic rubber. In addition of 2 methyl propene, there are X other isomer of similar. ठीक है जी, तो चार कार्बन के आइसोमर बना दो, 1, 2, 3, 4। एक ये बनेगा, एक बनेगा 1, 2, 3, 4। इसका सिस बनेगा, इसका ट्रांस बनेगा। अब चार कार्बन के कैसे बनेंगे, तीन कार्बन बनाइए और एक कार्बन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, इसका सिस ट्रांस ही बनेगा चार। बेटा आंसर चेक करना, इसका 4 है सर, इसका X other isomer, इसका मतलब है 3 होना चाहिए। हाँ, अगर उसको इंक्लूड कर लिया तो 3। चेक कर लेना बेटा, बोलो बेटा इसका आंसर 3 है। जी सर। और बोलिए क्वेश्चन सर। 7 ठीक है जी। डबल पॉलीमर व्हिच ग्रुप एक्स बी प्रेजेंट लॉस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, ये कह रहे हैं फिजी ड्रिंक डबल पॉलीमर टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द वॉल ऑफ द बॉटल डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द ग्रुप एक्स टू मिक्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है, सिर्फ OH। आंसर डी। नेक्स्ट सर, 53 क्वेश्चन, 53 बस ये लास्ट क्वेश्चन है। जी, इन पॉलीमर जी एवरी कार्बन एटम इन द पॉलीमर चेन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन एटम एंड वन मिथाइल ग्रुप, व्हिच एल्केन कुड बी पॉलीमराइज्ड टू मेक पॉलीमर जी। अच्छा जी, ब्यूटवानीन 1, 2, 3, 4 ब्यूटवानीन। तरीका क्या है, ये तरीका है, इसके ऊपर इथाइल ग्रुप लगा होगा, इसके ऊपर एच एच। बोले जी एवरी कार्बन एटम इन द पॉलीमर चेन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन एटम एंड वन मिथाइल ग्रुप, ये हो ही नहीं सकता। तो इसका पॉलीमर कैसे बनेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ये देखें, इन पॉलीमर जी एवरी कार्बन एटम इन द पॉलीमर चेन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन एटम एंड वन मिथाइल ग्रुप, वन हाइड्रोजन एटम एंड वन मिथाइल ग्रुप, ब्यूटेन। चेक करें, यही आंसर है। जी सर। चलिए बेटा,
कल सुबह 12 में टाइम बता दूं, एक मिनट रुकिएगा सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ना? हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दें, कल का टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है?